गाइस एपिसोड शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है कैसे हाओचान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस होली टेंपल को बचाने के लिए उस को ब्लॉक कर देता है। उसके ऐसा करने की वजह से डीमन प्रिंस को लगता है कि होली टेंपल पूरी तरह से तबाह हो चुका है और डीमन प्रिंस काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार हमने एक होली टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया और बाकी बचे 3 टेंपल को भी हम आसानी से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और यहाँ पर व्हाइट डीमन डीमन प्रिंस को बताते हुए कहता है कि हमें आगे भी अपने प्लान के हिसाब से ही चलना होगा ताकि हम तीनों टेंपल को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकें। और इतना कहते ही वो दोनों ही वहां से चले जाते हैं और वहीं सीन शिफ्ट होता है हमें हाओचान एंड हानियू को दिखाया जाता है जो कि अपने होली टेंपल को बचाने के बाद दूसरी जगह जा रहे होते हैं। और वहां पर हाओचान अपने मन में सोचता है कि आखिरकार गॉडेस ऑफ रीइनकार्नेशन ने उसे बताया था कि यदि एक बार भी मेरी पावर डीमन एम्परर को मिल गई तो शेंगू एम्पायर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और हाओचान अपने मन में सोचता हुआ कहता है कि आखिरकार चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन डीमंस को अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होने दे सकता। और ये सोचते ही हाओचान एंड हानियू दोनों ही तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है हमें व्हाइट डीमन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक पेड़ को गोल्डन कलर का बना देता है। और फिर सीधे ही सीन शिफ्ट होता है होली लैंड टेंपल पर आ जाता है जहां पर मिस जैंग और सैमी की फाइट एक डीमन गर्ल से हो रही होती है और वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। इसका साफ अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है क्योंकि सैमी अपनी इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल उस डीमन गर्ल पे काफी ज्यादा तेजी से कर रहा था लेकिन उसको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था सैमी की पावर से। और वो डीमन गर्ल इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इन दोनों पर ही भारी पड़ रही थी। और वो डीमन गर्ल एक जगह रुकती है और सोचती है कि आखिरकार इन सभी ने मिलकर हमारे एक थंडर डीमन को जान से मार डाला है, मैं इन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी और इन्हें यहाँ से जिंदा जाने भी नहीं दे सकती। और ये सब सोचते हुए वो डीमन गर्ल काफी ज्यादा पावरफुल तरीके से इन दोनों की पिटाई करने लगती है। और वहीं हमें ब्रदर जैंग को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से इन दोनों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पर डीमन गर्ल की पावर ज्यादा होने की वजह से वो तेजी से इन दोनों को घुमा घुमा कर वहां पर इनकी हालत खराब कर देती है और वो इन दोनों को जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी बीच में ब्रदर जैंग आकर इन दोनों को बचा लेते हैं और डीमन गर्ल से फाइट करने लगते हैं। और वो इन दोनों से काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम दोनों को सीरियस होना ही पड़ेगा क्योंकि ये 6th पिलर की सक्सेसर है, हम इस लड़की को यूं ही नहीं हरा सकते क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है और तुम इसकी पावर की लिमिट नहीं जानते, ये एक बार अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने लगे तो ये हम तीनों को यहाँ पर जान से मार देगी। और वहां पर सैमी मिस जांग से कहता है कि हमें इस डीमन गर्ल को जल्दी हराना ही होगा। और सैमी की ये सारी बात सुनकर मिस जांग कहते हैं कि हाँ मैं मुझे भी यही लगता है, मुझे भी लगता है कि हमें अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके इस डीमन गर्ल को जल्दी हराना होगा। और ये सब बात जैसे ही होती है वैसे ही सैमी और मिस जांग दोनों ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने स्ट्रॉन्गर वेपन को समन कर लेते हैं और इससे हमें साफ ये पता लग जाता है कि अब ये दोनों ही अपनी फाइट पूरी तरह से अपने वेपन्स के साथ लड़ेंगे। और यहाँ पर ब्रदर जांग भी अपनी स्वॉर्ड एंड शील्ड तैयार करते हुए इन दोनों से कहते हैं कि चलो अब तैयार हो जाओ, अब हम इस डीमन गर्ल की यहाँ पर बजाने वाले हैं पूरी अच्छी तरह से। और यहाँ पर ब्रदर जांग तेजी से जंप करते हुए सीधे डीमन गर्ल के सामने आ जाता है और यहाँ पर डीमन गर्ल काफी आसानी से ब्रदर जैंग के अटैक को डॉच कर लेती है लेकिन वो परेशान नहीं होता क्योंकि ये मौका उसने सैमी को दिया था। और यहाँ पर सैमी मौके का फायदा उठाते हुए तेजी से गधे का इस्तेमाल करते हुए डीमन गर्ल हमला कर देता है। और वहीं हमें मिस वांग को दिखाया जाता है जो कि इस मौके का फायदा उठाते हुए सीधे ही बीस्ट गर्ल के ऊपर अपनी शील्ड से हमला कर देती है और इन तीनों के लगातार अटैक करने के बावजूद भी उस बीस्ट गर्ल को कुछ भी नहीं होता, उस डीमन गर्ल को कुछ नहीं होता। और अचानक सामने से धुआं हटता है तब डीमन गर्ल पूरी तरह से ठीक होती है और वो डीमन गर्ल इन तीनों पे हंसते हुए कहते हैं क्या तुम लोगों की सही में असली ताकत यही है, और यदि सच में तुम लोगों की इतनी ही ताकत है तुम सभी मेरे सामने काफी ज्यादा कमजोर हो। और इतना क्या वो डीमन गर्ल अपने हाथों से आर्मर उतारना शुरू कर देती है और वो दोनों ही आर्मर अकेले ही काफी ज्यादा पावरफुल और हैवी वेट के होते हैं जिसकी वजह से जैसे जमीन पर गिरते हैं तो वहां पर जमीन टूटने लगती है। इससे हमें पता चलता है कि वो डीमन गर्ल कितनी ज्यादा पावरफुल है और सच में ये इतना हैवी वेट उठाकर वो अब तक इन सभी से फाइट कर रही थी। डीमन गर्ल की ये दोनों हैंड ग्लव्स को देखकर सैमी और मिस वांग और ब्रदर जैंग तीनों की आंखें खुली ही रह जाती हैं और वो डीमन गर्ल इन तीनों की ओर देखते हुए कहते हैं कि अब तुम तीनों में से कोई जिंदा नहीं बचने वाला। और डीमन गर्ल की ये सारी बातें सुनकर मिस वांग काफी ज्यादा गुस्सा करती है और तेजी से अपनी शील्ड लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और उस डीमन गर्ल के ऊपर अटैक कर देती है। उस डीमन गर्ल ने उस शील्ड अटैक को काफी आसानी से अपने एक ही हाथ से रोक दिया होता है और वो डीमन गर्ल इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो मिस वांग की शील्ड को पकड़कर उल्टा उन्हीं के ऊपर थ्रो कर देती है और ये करने के बावजूद भी डीमन गर्ल नहीं रुकती और तेजी से मिस वांग के ऊपर अटैक कर देती है। और वहीं पर सही टाइम पर ब्रदर जैंग सीधे ही मिस वांग के सामने आकर अपने शील्ड से उस अटैक को रोक लेते हैं जिसकी वजह से मिस वांग की जान बच जाती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस डीमन गर्ल का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से ब्रदर जैंग की शील्ड वहां पर टूटने लगती है और जैसे ही शील्ड टूटती है वैसे ये दोनों ही काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। और बीस्ट गर्ल इन तीनों पर काफी ज्यादा हंसते हुए कहते हैं कि ये मेरी असली स्ट्रेंथ और अभी तुम सोच नहीं सकते मैं तुम सभी के साथ क्या कर सकती हूँ। और यहाँ पर मौके का फायदा उठाते हुए सैमी तुरंत ही अपने गधे से उस डीमन गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर डीमन गर्ल काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से सैमी के गधे को पकड़कर उसी के ऊपर फेंक देती है जिसकी वजह से सैमी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और मिस वांग को फिर से गुस्सा आता है जिसकी वजह से वो फिर से अपनी शील्ड लेकर उस डीमन गर्ल के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिस पर डीमन गर्ल हंसते हुए कहते हैं सच में तुम काफी ज्यादा जिद्दी हो, तुम्हें अभी भी खुद पे भरोसा है कि तुम मुझे हरा दोगी, चलो मैं तुम्हारा ये घमंड जल्दी चकनाचूर कर देती हूँ। और इतना कहते ही वो डीमन गर्ल सीधे ही मिस वांग के ऊपर एक बड़ा सा हिट कर देती है जिसकी वजह से मिस वांग काफी ज्यादा पीछे चली जाती है। सच में यहाँ की सिचुएशन
कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।